चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तुम्हारी फैमिली मुझे कबूल कर लेगी। अब तो कुछ ही दिन रह गए हमारे यूनिवर्सिटी आने का। तो फिर क्या प्लान है तुम्हारा आगे का? हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो यहां तक कि मैं जिस मुश्किल से अपने बलबूते पर पहुंचा हूं ना, ये बस मैं ही जानता। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो बस मैं चाहता हूं कि आगे जॉब करूं। लेकिन यू नो आई थिंक तुम्हें आगे स्टडीज करनी चाहिए। आई मीन तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तुम्हें तो आराम से स्कॉलरशिप मिल सकती है ना। मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो वही मेरे लिए स्कॉलरशिप होगी। बस मैं मजीद अपने अब्बा के सामने हाथ नहीं फैला सकता, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ ताकि छोड़ो इस बात को, बस मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्स अच्छे से हो जाएं, अच्छी सी जॉब मिल जाए और बस। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? I don't know, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन मैं मास्टर्स करूँगी। वो मेरी मॉम की ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स करूँ, तो तुम मास्टर्स सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारी मॉम की ख्वाहिश है? नहीं, मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है। तो तुम्हारे घर वाले परमिशन दे देंगे तुम्हें? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं देंगे परमिशन। यू नो मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन होता है मेरी फैमिली मुझसे पूछ के लेती है, सो मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली का तुम्हारी शादी करने का प्लान था ना। हाँ, आई मीन शादी हो या कोई और डिसीजन हो, फाइनल डिसीजन तो मेरा अपना खुद ही होता है वैसे। तो तुम किसी को भी पसंद करोगी तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? ऑफकोर्स, क्यों नहीं मानेंगे वो? चाहे वो तुम्हारी क्लास से बिलोंग करता हो या नहीं, वो मान जाएंगे? हाँ, I mean, ये चीजें मैटर थोड़ी करती हैं, क्लास एंड ऑल दैट। चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तुम्हारी फैमिली मुझे कबूल कर लेगी। मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।